सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सभी ठीक होंगे। और आज की ड्यूटी भाई होने वाली है हमारी एक सब्सक्राइबर की डिमांड के ऊपर भाई, उनका नाम है समर। और हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट आया था भाई, NDLS और राजधानी एक्सप्रेस बनाने के लिए भाई वीडियो, NDLS टू डिब्रूगढ़। तो भाई वही आज ड्यूटी हम आपको दिखाएंगे भाई, डिब्रूगढ़ के ऊपर ये वीडियो होने वाली है भाई, NDLS टू डिब्रूगढ़ 2424 यानी कि 12424। तो भाई ट्रेन हमारी सामने से देख सकते हो भाई, अब आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जो ये ट्रेन है भाई दिल्ली से चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 16 से, और फुली भाई एसी कोचेस इसमें लगे होते हैं भाई, LHB ट्रेन है। और अभी सामने से भाई आ रही है ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म पे जैसी आती है तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल देता हूँ भाई। ट्रेन देख लो भाई, अराइविंग देख लो पहले तो भाई इसका। तो ये देखो गाइस, अराइविंग आप देख सकते हो गाइस। तो भाई ये जो ट्रेन है भाई, NDLS टू डिब्रूगढ़ 12424 ये ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस है भाई। तो सभी इसमें जो कोचेस हैं वो एसी कोचेस हैं भाई, और जो लोकोमोटिव भाई इसमें लगता है वो लगता है भाई हावड़ा का WEB 7। ये देखो भाई, हावड़ा का WEB 7 लगा हुआ भाई, यही लोकोमोटिव इसको यहाँ से लेकर के जाएगा यार। तो भाई अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डिस्टेंस कवर करती है भाई, यहाँ से 2435 किलोमीटर का सफ़र करती है भाई, तय वो करती है भाई 49 यानी कि 49 आवर्स में भाई ये कंप्लीट करती है इस जर्नी को। तो भाई जो इसकी स्पीड लिमिट है भाई वो है भाई 130 किलोमीटर पर आवर, और जो एवरेज स्पीड है भाई वो है 65 किलोमीटर पर आवर। और भाई ये डेली चलती है ट्रेन, यूपी बिहार नागालैंड डिब्रूगढ़ जाती है भाई ये होते हुए। और टोटल भाई इसमें जो स्टॉप पड़ते हैं वो पड़ते हैं भाई 20 स्टॉप पड़ते हैं भाई, 20 स्टेशन इसमें पड़ते हैं जहाँ पर इसको इसका होल्ट होता है, रुकना होता है भाई। और भाई ये देखो आप देख सकते हो LHB कोचेस हैं भाई सारे इसमें, देख सकते हो भाई। अभी भाई हम लोकोमोटिव को अभी खोलते हैं, जो हमारे लोको पायलट है भाई वो बाहर अभी जाकर देखते हैं कि सभी लोको में जो ट्रेन में सभी लोग चढ़ चुके हैं या नहीं चढ़ चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग बाहर खड़े हैं आप देख सकते हो यार गाइस। एक और बात भाई, इसका जो किराया है ना भाई फर्स्ट एसी का, वो 6800 के आसपास कोई एसी का किराया पड़ता है भाई, क्योंकि फ़र्स्ट एसी है भाई, तो राजधानी में जिसने सफ़र किया तो भाई वो उसी को पता है फर्स्ट एसी का। तो और सेकंड एसी का भाई इसमें कुछ कुल मिलाकर के 4000 के आसपास, 4110 ऐसे कुछ इसका किराया पड़ता है। अभी हम आ गए भाई देखो लोकोमोटिव के अंदर, देख लो भाई अभी लोकोमोटिव हमने स्टार्ट कर दिया है, फैन वगैरह भी ऑन करेंगे भाई अभी सारे, दरवाज़ा बंद करते हैं, बंद नहीं हो रहा यार, अभी बंद नहीं हो रहा यार, अभी यार ये बारिश की वजह से यार कई बार क्या होता है भाई लोग ये ना दरवाज़ा बंद नहीं होता है, रश लग जाती है कई बार दरवाजे को, तो एक इस बार जैसे हमारे घरों में भी हो जाता है भाई वो सेम प्रॉब्लम हो जाती है यार, फैन वैन ऑन कर देते हैं। और भाई हमारे असिस्टेंट लोको पायलट का भी फैन ऑन कर देते हैं भाई। तो भाई मैं बता रहा था आपको किराए के बारे में, जो इसका 3rd AC का किराया है भाई वो 3000 के आसपास कुछ ऐसा कुछ होता है, और डायनेमिक फेयर है भाई यात्री वार के हिसाब से, तो जैसे यात्री के वार के हिसाब से तो भाई इसमें डायनेमिक फेयर भाई 2nd AC का तो 1st AC का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही रहता है सेम रहता है। और जो 2nd AC का है भाई वो 4000 से भाई 5000 के आसपास आ जाता है, और 3rd AC का भाई 3000 से जैसे 3800 से के करीब ये पहुँच जाता है भाई। और इसमें भाई कैटरिंग सर्विस वगैरह इंक्लूड होती है भाई, जो सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज सभी लगा होता है भाई इसमें। और ट्रेन हमारी भाई देखो यहाँ से निकल चुकी है, डिपार्ट हमने कर दिया भाई। और इसमें जो किड्स वगैरह हैं भाई, बच्चे वगैरह और सीनियर सिटीजन, उनके लिए भाई थोड़ा लेस होता है भाई, किराए में छूट होती है। और कुल मिला के भाई इसमें पेंट्री कार लगा होता है, और पेंट्री कार का चार्ज भी लगा होता है भाई इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया। और भाई इसमें ना एक बात मैं और बताता हूँ आपको, जैसे NDLS टू कटिहार के लिए भाई ये जाती है ना, न्यू दिल्ली से कटिहार तक के लिए भाई ये जाती है, तो वहाँ तक के लिए भाई इसको गाजियाबाद शेड का भाई WEB 7 लगा होता है भाई, गाजियाबाद या हावड़ा शेड का 37481 का हावड़ा शेड का भी लगा होता है भाई। तो कटिहार से वहाँ पर जाके इसका लोको चेंज होता है भाई, कटिहार से डिब्रूगढ़ के लिए भाई सिलीगुड़ी का भाई इसमें जैसे WDP 4D लग जाता है, कई बार 4B भी लग जाता है, और WDP 4 नॉर्मल भी जो लग जाता है भाई वो भी चला जाता है भाई। और सामने देख सकते हो भाई अभी ट्रेन निकल चुकी है यार। और एक बात भाई
आपको मैं कहना चाहूँगा कि भाई इसे काम चला लेना। मेरे पास अभी वो रूट नहीं था कि मैं आपको दिल्ली तक का रूट दिखा सकूँ, इसलिए मैंने सेम उससे मिलता जुलता ये स्टेशन आपको दिखाने की कोशिश की है। भाई अम्बाला सिटी का स्टेशन है भाई, तो ये भी सेम ऐसा मिलता जुलता है, आपको बड़ा स्टेशन है, तो इसलिए मैंने ये दिखाने की कोशिश की है भाई, थोड़ा दिल्ली जैसा लगे। और फिलहाल भाई आने वाले टाइम में मेरे पास आएगा तो रूट मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा भाई। फिलहाल हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यार। और भाई NDLS से जो इसका डिपार्टिंग का टाइम है भाई वो है 16:10, यानी कि शाम के 4:10 भाई, और प्लेटफॉर्म नंबर 16 से निकलती है जैसा कि मैं आपको बताई चुका हूँ यार। और जो इसका फर्स्ट स्टॉप है भाई वो पड़ता है भाई UP यानी कि उत्तर प्रदेश कानपुर में, और वहाँ पर ये पहुँचती है भाई कुल मिला के 21:02 यानी कि रात के 9:02 पे। और भाई यहाँ पे इसका जो होल्ड पड़ता है भाई वो पड़ता है 5 मिनट का भाई, 5 मिनट के लिए ये ट्रेन यहाँ पर रुकती है और उसके बाद यहाँ से चल पड़ती है भाई जैसे कि 9:07 पे। और भाई इसका भाई इसके बाद का जो स्टॉप पड़ता है भाई वो आगे बढ़ता है, मैं आपको मेन मेन स्टॉप बताऊंगा यार कि जैसे वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आपका टाइम भी ना ख़राब हो यार, तो वीडियो को एंजॉय करते रहो यार। और वीडियो बहुत नॉलेजेबल भी होने वाली है और भाई सीनिक भी होने वाली है भाई, इसमें आप ट्रेनें भी देखोगे भाई, ओवरटेक भी देखोगे भाई कोई, तो ये देखो भाई अभी ये ICF ट्रेन खड़ी है भाई, ये देखो भाई हमारी डाउन ट्रेन है भाई, वो अप ट्रेन है भाई, वो सामने से आ रही तो इसलिए वो यहाँ पर रुकी हुई है यार। और ये देखो भाई इसका जो अगला स्टॉप है भाई वो है इलाहाबाद जंक्शन। फिलहाल आप ये ना कहना कि मैंने कोई बीच में स्टॉप छोड़ दिया भाई, तो बीच बीच में कुछ स्किप करूँगा, बड़े बड़े स्टेशन ही मैं आपको बताऊँगा यार। तो यहाँ पर जो अगला स्टॉप भाई इसका पड़ता है वो पड़ता है भाई इलाहाबाद जंक्शन में भाई, तो ये बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है यहाँ पर भाई ये ट्रेन रुकती है। और यहाँ पर भाई देखो ये जो इसका पहुँचने का टाइम है भाई वो रात को 23:09 यानी कि 11:09 पर भाई ये पहुँचती है भाई, 2 मिनट का भाई यहाँ पर हाल्ट होता है भाई। और गाइस वहाँ पर उसके बाद आगे ये भाई स्टेशन हमारे लिए पड़ता है भाई पंडित दीनदयाल जंक्शन, तो भाई ये पंडित दीनदयाल जंक्शन होते हुए फिर भाई ये बिहार का दानापुर स्टेशन आता है भाई, वहाँ रुकती है। और एक मेन स्टेशन है भाई पाटलिपुत्र, आपने सुना भी होगा भाई पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन भी है, तो वहाँ पर भाई ये पहुँचती है 4:20 पर पहुँचती है भाई। और यहाँ पर आने के बाद भाई ये ट्रेन अपना सफ़र तय कर लेती है, 995 किलोमीटर कम्प्लीट कर लेती है भाई। और उसके बाद यहाँ से डिपार्चर होने के बाद भाई ये पहुंचती है कटिहार जंक्शन, जी हाँ ये है इसका मेन स्टेशन जहाँ पर इसका लोको चेंज होता है भाई। यहाँ पर भाई ये पहुंचती है 9:55 और यहाँ पर भाई 55 मिनट का होल्ड होता है जिसके दौरान भाई यहाँ पर लोको चेंज होता है, लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक से डीजल लोकोमोटिव लगता है भाई, चेंज होता है WDP-4D या कई बार WDP-4B लग जाता है। तो भाई देखो भाई ये है एक यहाँ पर क्रॉसिंग, ये भी राजधानी है भाई, तो भाई इसमें ना राजधानी के गैंग ओवरटेक बहुत होते हैं। और इसके आगे भी हमारी एक ट्रेन चल रही है भाई, वो भी राजधानी ही है और उसके पीछे हमारी ट्रेन चल रही है, तो भाई ये बहुत सफ़र बहुत रोमांचक है यार, जिसने यहाँ पर सफ़र किया है वो जानता होगा भाई, किस किसने सफ़र किया भाई इस ट्रेन के ऊपर, तो वो कमेंट करके बताओ यार। अभी आप देख लो भाई इसका कोच AC कोच ये है भाई, 3rd AC देख लो गाइस ये इसका 3rd AC कोच है। और भाई इसका जो फर्स्ट ओवरटेक है भाई वो पड़ता है जैसा कि अभी मैंने बताया, वो गाजियाबाद से पहले ही पड़ता है, वो पड़ता है सद्भावना एक्सप्रेस से भाई। तो उसके बाद भाई ये Wave 5 इसमें लगा होता है कई बार लोकोमोटिव, कई बार कुछ और भी लोकोमोटिव लगा होता है भाई, मैंने जैसा कई बार देखा है तो इसमें भाई Wave 5 लगा होता है भाई लोकोमोटिव ज़्यादातर सद्भावना एक्सप्रेस। इसके ऊपर भी आपने अगर कोई वीडियो देखना चाहता है तो बताओ, मैं भाई उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा यार। और कमेंट करते करो भाई, अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और वीडियो को भाई थम्सअप हिट करा करो भाई, तभी पता चलता है आप लोगों का प्यार, कितने रियल फैंस मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, और किस शहर से हो भाई वो जरूर बताया करो यार, ताकि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में भाई ले सकूं यार। तो भाई फुल ट्रेन जो भाई ये है फुल क्या कहते हैं गैंग से भरी हुई है भाई राजधानी के, और एक के बाद एक भाई इसके पीछे ट्रेन चलती रहती है यार। और उसके बाद ये भाई ट्रेन आती है भाई किशनगंज भाई, आपने दिल्ली में भी देखा होगा भाई किशनगंज, तो ये वो वाला किशनगंज नहीं है भाई, ये बिहार साइड वाला किशनगंज है। और इसके बाद भाई ये पहुँचती है न्यू जलपाईगुड़ी, तो भाई यहाँ पहुँचने के बाद भाई ये पहुँच अपना सफ़र तय कर लेती है भाई, 1466 किलोमीटर कंप्लीट कर लेती है भाई। और शाम के टाइम भाई ये गुवाहाटी पहुँचती है भाई 4 मुख्य जंक्शन पर, और यहाँ पर देख सकते हो भाई क्रॉसिंग हो रही है भाई, यहाँ पर ऑयल टैंकर खड़े हैं यार। और वहाँ से निकलने के बाद तो भाई हम फाइनली जब पहुँचते हैं तो वो पहुँचते हैं भाई डिब्रूगढ़ जंक्शन में, और 4 मुख्य जंक्शन
काफ़ी किसी ने लोगों ने नाम सुना भी होगा भाई, किस किस ने सुना यार चारमुख जंक्शन। मैंने तो फिलहाल अभी तक नहीं देखा भाई स्टेशन। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ भाई इलेक्ट्रिक से हमारे डीजल की भाई कपलिंग, जो कि कटिहार जंक्शन पे होती है भाई। तो यहाँ पर इंजन हमारा भाई डी कपल होगा और डी कपलिंग के बाद भाई ये लोकोमोटिव हट जाएगा और डीजल लोकोमोटिव लग जाएगा यार। भाई किस किस ने देखा है यार ये नज़ारा जब इलेक्ट्रिक से डीजल लोकोमोटिव लगता है भाई ट्रेन के अंदर। वो देखो भाई वो सामने देख रहे हो WDP-40, वो लोकोमोटिव भाई हमारी ट्रेन में लगेगा यार, साइड पर रुका हुआ है ये आप देख सकते हो। ये हमारा WAP-7 हट जाएगा भाई और WDP-40 इसमें लग जाएगा यार। तो ये डिकपलिंग होगी गाइज, अभी देखते हैं डिकपलिंग के बाद मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ यार, तब तक आप लोकोमोटिव देख लो। और ये है भाई देखो हमारी ट्रेन, ये है भाई जनरेटर कार है हमारी, तो इसमें EOG लगा हुआ होता है भाई। हमारा जो फ्रंट वाला EOG है भाई वो चल रहा है और जो बैक वाला है वो अभी फिलहाल पावर नहीं दे रहा यार इसको, इसी से सभी डब्बों को पावर मिल रही है यार। और जैसा कि आप देख सकते हो गाइस ये लोकोमोटिव चला गया है, वो देख लो गाइस, और ये लोकोमोटिव चला गया है गाइस, ये ट्रैक चेंज करके अपनी शेड पर लग जाएगा और WDP-40 भाई इसमें लग जाएगा यार। और अब जैसा कि देख सकते हो गाइस अभी हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम पहुंच गए हैं भाई हम पहुंच गए भाई कटिहार। तो कटिहार से भाई इसमें अब लोकोमोटिव लगेगा यार, देखना ये आ रहा है भाई हमारा WDP-40 सामने से। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि भाई ये कटिहार में इसका लोको चेंज होता है इलेक्ट्रिक से डीजल, तो भाई अब ये डीजल लोकोमोटिव लगने वाला है। इलेक्ट्रिक हट चुका है और WAP-7 चला गया है, अब डीजल लोकोमोटिव के साथ भाई इसकी पावर का ब्रूट फोर्स भाई आप देखोगे कि कैसे इसको ये खींचता है यार। भाई मेरी ये एक कोशिश रहती है कि वीडियो मैं आपके लिए ज़्यादा लंबी ना करूँ कि आप लोग वीडियो, वैसे भी आप पूरी देखते नहीं हो यार, पूरी वीडियो देखोगे तभी तो भाई इन्जॉय करोगे यार। आप लोग आधी वीडियो देख के छोड़ जाओगे तो भाई क्या आपको वीडियो का ना तो नॉलेज मिलेगी ना ही आपको वीडियो का इन्जॉयमेंट होगा यार। और आप देख सकते हो गाइज आप इसकी कपलिंग, ये देखो गाइज भाई कुल मिला के जो गेम है भाई इसमें काफ़ी सभी तरह से भाई जो टेक्स्चर्स हैं भाई वो पूरे एंड दे रखे हैं यार, कभी एकदम मज़ा आया था यार खेल के। और ये सामने से देख सकते हो गाइस आप पानी की पाइपें जो लगी होती हैं सेम ऐसी होती हैं स्टेशन के ऊपर, आपने देखी भी होगी वो पानी वाली पाइप जाती है ना भाई साइड से, वो देखो लगी भी हुई है सामने। और ये देखो भाई हमारा लोकोमोटिव आ गया भाई WDP-40, ये देखो भाई और यहाँ पर भाई देखो कपलिंग हो रही है भाई हमारे लोकोमोटिव की। और यहाँ पर देखो भाई कपलिंग के दौरान जो ये ट्रेन है भाई इसकी कपलिंग में का बहुत फ़ायदा है यार, इसकी कपलिंग ना कभी टूटती नहीं है, बहुत कम रेयर चांस होता है कि इसकी रेयर तो मैंने कभी देखा नहीं भाई फिलहाल, ICF की तो मैंने देखी है यार कि कपलिंग टूट जाती है कई बार। और एक्सपेक्स ट्रेन है मेल एक्सपेक्स ट्रेन को भाई इसलिए बोलते हैं भाई लूज़ कपलिंग नहीं करनी चाहिए, BCNA रैक हो या बॉक्स NHLL फ्री ट्रेन होती हैं भाई उनके लिए ऊपर स्पेशल लिखा भी होता है डब्बों पर। तो भाई फिलहाल देखो यहाँ से हम निकल चुके हैं, डिपार्ट कर दिया है भाई कटिहार जंक्शन से, हमारा डीजल लोकोमोटिव लग चुका है भाई इसमें WDP-40। और भाई उम्मीद है आप सभी को यार ये वीडियो पसंद आई होगी भाई, और पसंद आई तो भाई लाइक करके जरूर बताओ, आप लाइक करोगे तो मुझे पता लगेगा कि आप भाई आपको वीडियो पसंद आ रही है भाई। भाई ठोक दिया करो भाई लाइक, ठोक दिया करो लाइक से कुछ नहीं मिलता भाई, मोटिवेशन मिलता है, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता यार। तो अब चलते हैं इसी मैसेज के साथ भाई, तो घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और गुड नाइट सभी को भाई, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ तो गुड नाइट बोल रहा हूँ यार। और वैसे तो मैं वीडियो ये सुबह को पोस्ट करूँगा क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड है यार, तो कि ये सुबह को वीडियो अपलोड करना, तो भाई मैं इसलिए सुबह वीडियो अपलोड करूँगा यार, आप सभी को ये वीडियो सुबह देखने को मिलेगी। और चलिए आप सभी से जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल।